Hello everyone, today in this video I will teach programming in C and numerical method. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम numerical method का chapter first study करेंगे, solution of algebraic and transcendental equation. इसमें हम क्या करेंगे, algebraic and transcendental equation का solution करेंगे. एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होती है, जैसा कि आपको गिवन है कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर उसमें कोई इक्वेशन है देन हमें गिवन है 3x^5 प्लस 4x^4 प्लस 7x^3 प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इक्वेशन इज एल्जेब्रिक इक्वेशन. इसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन. एंड 1+2 कोस एक्स माइनस 3x की फॉर्म में है देन इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. आगे देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है देन हम उसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ अगर एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो पॉलिनोमियल हायर डिग्री के साथ साथ इन्वॉल्विंग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है देन उसके रूट फाइंड आउट करने के लिए हम अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज़ करेंगे. इसमें सब फर्स्टली हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी इक्वेशन में कॉन्टीन्यूशन और वेरिएशन देखना होता है. तो हम कॉन्टीन्यूशन देखने के लिए क्या देखते हैं, कॉन्टीन्यूशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कॉन्टीन्यूशन क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी और किसी चीज़ की. अगर पॉजिटिव साइन चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन की कॉन्टीन्यूशन हो हमारे पास, और नेगेटिव साइन है देन नेगेटिव साइन की कॉन्टीन्यूशन हो. देखो, इफ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल आर रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर एंड इफ अ पॉजिटिव साइन इज फॉलोड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज फॉलोड बाय नेगेटिव देन द कॉन्टीन्यूशन इज और अ परमानेंस ऑफ साइन इज सेट टू अक्कर. हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है. अब यहाँ देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, वेरिएशन हो रहा है, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से पॉजिटिव. या हम क्या बोल सकते हैं कि माइनस से माइनस 2x³ में क्या है, वेरी कॉन्टीन्यूशन है. उसके बाद पॉजिटिव 7x से 9x को कॉन्टीन्यूशन, 9x से 5 तक कॉन्टीन्यूशन. तो हम क्या बोल सकते हैं, माइनस 2x³ और 9x और 5 पे हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूशन साइन है. और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, इसमें देयर आर 3 कॉन्टीन्यूशन ऑफ साइन. उसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन देखो, हमारे पास ये इक्वेशन है, मान लो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, एक वेरिएशन है किस पे है, माइनस 6x^4 पे. उसके बाद यहाँ से कॉन्टीन्यूशन हमारा, उसके बाद फिर क्या है, वेरिएशन है माइनस 2x³ से पॉजिटिव पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, वेरिएशन, फिर कॉन्टीन्यूशन चल रहा है. तो हम क्या बोल सकते हैं, माइनस 6x^4 एंड 7x पे हमारा क्या है, वेरिएशन. तो हमारे इसमें कितने वेरिएशन हो गए, देयर आर 2 वेरिएशन ऑफ साइन. उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपने एग्जाम्पल में करते हैं, जैसा कि डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन. डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या होता है वो देखो, इन पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ द कोफिशिएंट है इन एफ ऑफ एक्स. इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन का वेरिएशन निकालने के लिए एक बार तो हम एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव में लेते हैं, और एक बार जो फंक्शन है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, देन हम क्या करते हैं उसके रूट फाइंड आउट, वो सॉरी वेरिएशन और कॉन्टीन्यूशन साइन को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा डिस्कार्टेज रूल है, इसका प्रूव करने की नीड नहीं है, इसके मतलब जो रूल है उसको यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में, आगे देखते हैं वो. उसके बाद हमारे पास कुछ आता है लोकेशन ऑफ रूट्स, ये क्या होते हैं. देखो, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है और उसका इंटरवल क्या गिवन है, ए टू बी, एंड जो फंक्शन है एफ ऑफ ए फंक्शन एंड एफ ऑफ बी फंक्शन, वो फंक्शन हमारे क्या है, दोनों अपोजिट साइन हुए हैं, मीन्स एफ ऑफ ए पॉजिटिव एफ ऑफ बी नेगेटिव, या एफ ऑफ ए नेगेटिव और एफ ऑफ बी पॉजिटिव, देन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट लाइंग इन द इंटरवल दिस. अगर हमारा फंक्शन अपोजिट साइन में है दो फंक्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें एक रियल रूट लाई तो करेगा ही करेगा, मीन्स इन दोनों के बीच में एक रियल रूट तो लाई करेगा. लेट्स सी, देखो ए जो है, अगर लेट करते हैं ए हम लेस देन बी से, ठीक है, और फंक्शन जो है एफ ओ फे इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ बी इज़ लेस देन ए,
अगर लेस देन है तो नेगेटिव में है, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव में है। देन हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो है लेस हो गया जीरो से। उसके बाद देखो आगे, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ एन इवन डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव एंड द कोफिशेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव हैज़ एटलीस्ट टू रियल रूट, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और उसकी डिग्री अगर हमारे पास इवन है, अगर उसकी डिग्री हमारे पास इवन फॉर्म में है और उसकी लास्ट टर्म इज़ नेगेटिव, लास्ट टर्म तो है नेगेटिव एंड फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो उसके अंदर हमारे दो रियल रूट फाइंड आउट करेंगे हम, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये हमारे पास गिवन है कि अगर हमारी कोई भी डिग्री, पॉलिनोमियल डिग्री जो है वो इवन होगी, तो उस इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म होगी वो नेगेटिव पॉजिटिव होगी और जो लास्ट टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। अगर इस टाइप का आपके पास कोई फंक्शन है, देन हम उसमें क्या करेंगे, उसमें दो रियल रूट फाइंड आउट करेंगे, दो रियल रूट उसके बनेंगे ही बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद आगे देखो, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री, अगर हमारे पास डिग्री ओड है, देन हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, अगर ओड डिग्री है तो हमारे पास एक रियल रूट होगा उसमें, एंड साइन अपोजिट, उसके साइन अपोजिट हो गए, एक पॉजिटिव अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है और फर्स्ट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, अगर फर्स्ट नेगेटिव है तो लास्ट पॉजिटिव होनी चाहिए और डिग्री ओड होनी चाहिए, देन हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें एक रियल रूट। लेट्स सी एग्जाम्पल से हम देखते हैं, शो डैट द इक्वेशन एक्स फाइव माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है, हैज़ थ्री रियल रूट, इसमें हमें गिवन है कि इसमें थ्री रियल रूट फाइंड आउट करने हैं हमें, एंड फाइंड दी इंटरवल इन विच दे लाई, और इसका इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फाइव माइनस फाइव एक्स प्लस टू, वेरिएशन चेक करते हैं इसमें, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, दो वेरिएशन है। अब डिस्कार्टेज रूल से हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन और एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन लेते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन में देखते हैं, अब हम माइनस या पॉजिटिव आ जाएगा, तो वेरिएशन देखो माइनस से पॉजिटिव एक वेरिएशन है, उसके बाद पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूशन है। देन हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इज टू, दो वेरिएशन हो रहे हैं, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज वन, एफ ऑफ माइनस एक्स में कितने वेरिएशन है, वन, देयर आर एटमोस्ट टू पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट बन जाएंगे हमारे इसमें, तो उसके बाद देखो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स एक्स, अब हम क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड आउट करना है हमें, तो इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन में वैल्यू जीरो पुट करके देखेंगे, अगर जीरो पुट करेंगे देन हमारा पॉजिटिव आएगा, वन पुट करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो एक इंटरवल हमारा किसके बीच में आ गया, जीरो और वन के बीच में आ गया, जैसा कि हमने पीछे लोकेशन ऑफ रूट्स में देखा था। ये देखो यहाँ लोकेशन ऑफ रूट्स में मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारे पास कोई, और इंटरवल ए टू बी है, और अगर हमारे फंक्शन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फंक्शन है तो उसके बीच में हमारा एक रियल रूट तो लाई करेगा ही करेगा उस इंटरवल में, तो यह हमारा क्या हो रहा है, या पॉजिटिव अगर हम जीरो और वन पुट करते हैं तो हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन आ रहा है, वेरिएशन हो रहा है साइन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरवल क्या बन जाएगा, जीरो टू वन, एक इंटरवल हम जीरो टू वन बोल सकते हैं। उसके बाद देखो अगर हम इस फंक्शन में वन वन हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव, अगर हम यहाँ टू पुट करते हैं तो देन टू और यहाँ भी टू पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, फर्स्ट वन पुट किया तो नेगेटिव आया और टू पुट किया तो पॉजिटिव आया, ये देखो अगर वन पुट किया तो नेगेटिव आया और टू पुट किया तो पॉजिटिव आया, तो यहाँ भी वेरिएशन हो रहा है। जब हमारा कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन में वेरिएशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक रियल रूट उसके बीच में लाई करेगा, तो इसके बीच में एक रियल रूट बन जाएगा, तो एक इंटरवल क्या बन जाएगा, वन और टू बन जाएगा। उसके बाद देखो हम नेगेटिव फंक्शन में देखते हैं, अगर यहाँ हम जीरो पुट करते हैं तो हमारा पॉजिटिव आएगा, आ रहा है पॉजिटिव, अगर यहाँ वन पुट करते हैं तब भी हमारा पॉजिटिव साइन बन रहा है, और टू पुट करते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, नेगेटिव साइन बन रहा है, तो वेरिएशन कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
माइनस वन से माइनस टू, जब माइनस वन और माइनस टू के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो यह क्या है, एक रियल रूट बनेगा इसके बीच में, तो यहाँ हम इंटरवल क्या बोल सकते हैं, माइनस टू से माइनस वन। तो यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास तीन रियल रूट है, उनका इंटरवल क्या होगा, माइनस टू से माइनस वन, जीरो से वन और वन से टू। दिस शो डैट देयर आर एग्जैक्टली थ्री रियल रूट एंड द इंटरवल इन विच दे लाई आर माइनस टू माइनस वन, जीरो वन एंड वन टू टू, हैंस रूट। एग्जाम्पल सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।